इसराना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार ने कई गांवों का दौरा किया। इन गांवों में अदियाना, पडाना, खलीला, उरलाना कला, दरियापुर, अटावला जैसे गांव शामिल थे, जहां पर बड़ी तादाद में लोगों ने कृष्णलाल पवार का फूलमालाओं से स्वागत किया। आपको बता दें कि कृष्णलाल पवार के साथ मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर और गाड़ियों का काफिला भी मौजूद था। बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल पवार ने कहा कि हल्के की जनता के लिए उनके घर के द्वार हर समय खुले हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर किसी भी समय उनके पास जा सकते हैं। बीजेपी ने इन 10 सालों में सिर्फ जनता की भलाई के लिए ही काम किया है। बिना किसी भेदभाव के युवाओं को नौकरियां मिल रही है। बीजेपी सरकार ने अनेक विकास कार्य करवाए हैं। तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने ये विकास कार्य निरंतर चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि हल्के की जनता उनको 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपना विधायक चुनती है तो वो उनको विश्वास दिलवाते हैं कि हल्के में विकास कार्यों को रुकने नहीं दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं का उत्साह आपके सामने, निश्चित तौर से इसराना विधानसभा की सीट हम जीत चुके हैं। आने वाले जो 5 तारीख है, पूरे इसराना विधानसभा के जो मतदाता हैं वो मन बना चुके हैं कि बहुत भारी मत से कृष्णलाल पवार को ऐसे विजय दिलाएं। सर, अपील करना चाहेंगे हरियाणा, इसलिए मैं हरियाणा न्यूज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज जिस प्रकार से आज मेरा इंटरव्यू भी लिया हरियाणा न्यूज की टीम ने। और मैं अपील करता हूँ कि सभी मतदाताओं से आप आने वाली 5 तारीख को मुझे आप आशीर्वाद देना, और निश्चित तौर से जनता मन बुना चुकी है, आशीर्वाद दे चुकी है, हमें सफलता अवश्य मिलेगी।